अभी जो रिसेंट में आपको INR मार्केट में जो सीन देखने को मिले थे, आप ऐसे शोक हो गए होंगे। जो बहुत सारे भाई न्यू हैं यहाँ पे, उनके लिए तो बहुत अलग सी चीज़ हो गई कि यार ये तो INR मार्केट तो कैसे पड़ गया, USDT में तो कुछ हो ही नहीं रहा है। और इवन यहाँ पे USDT की बात करें तो 60 रुपये पे आ गया था, जो नॉर्मल डॉलर की रेट होती है 74 पॉइंट ऐसे कुछ, वहाँ से भी नीचे डाउन। लेकिन फिर भी कोई नहीं है, हमने तो अच्छे से ग्रेप किया था। मैंने टेलीग्राम पे भी आपको अपडेट दे दिया था कि आप भी USDT को यहाँ पे ले सकते हैं, सेफ बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो अब USDT अच्छे लेवल पे आ गया है वापस, जो पहले वाला लेवल है वहाँ पे आने लग रहा है। मार्केट भी पहले वाला लेवल है वहाँ पे आ गया है। और मैंने यहाँ तक तो जितना हो सकता है आपको यहाँ पे उस टाइम जो ये चीज़ें होने लग रही थी तो आपको बचाया था, और अर्जेंट बेसिस पे वीडियो भी डाला था कि आपको सेल नहीं करना है, अगर उस लेवल पे सेल कर दिए तो कोई रिकवर नहीं कर पाएगा आपका। और बहुत सारे भाई अब पैनिक सेलिंग भी किए थे, अब उनका पता नहीं क्या, लेकिन मैंने बहुत सारे भाइयों को बचा लिया था। आप देख सकते हैं आपको ज़्यादा लॉस लग नहीं रहा होगा, पोर्टफोलियो की भी यहाँ पे इमेज सही हो गई होगी। वहाँ पे जब वो हुई थी चीज़ें तो पोर्टफोलियो की तो हालत ही बदल गई थी। बहुत सारे भाई तो ऐसे नेगेटिव हो गए थे कि यार ये क्या हो गया, अब मैं तो ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। अब सब बैक टू नॉर्मल, ठीक है। अब बात करते हैं कि अब यहाँ INR जो पेयर है उसमें ट्रेड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे भाई अभी भी डरे हुए हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ अब नॉर्मल है, सब चीज़ें ट्रेड कर सकते हो, लेकिन एक चीज़ के साथ, स्टॉप लॉस, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस ही बचा सकता है। अब इतना हो गया ना, फिर भी देख लेना बहुत सारे भाई, इवन मेजोरिटी लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, उनको कोई मतलब ही नहीं स्टॉप लॉस से। क्या है स्टॉप लॉस, है क्या, वो ऐसे सोचते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस आपके लिए एक ऐसी बेनिफिट वाली चीज़ है जिससे आप बहुत बड़े लॉस से बच सकते हैं। अगर आपने अभी लगाया हुआ होगा, बहुत सारे भाई लगाए हुए भी थे, उनके ऊपर ही सेल हो गए और नीचे डिप में आके बाई और किए थे वो लोग, तो इस चीज़ को समझो। ये बार बार वो होने वाली चीज़ें नहीं होती, मैं कई बार रिपीट कर दिया हूँ, ठीक है। और अब बात करें जो भी क्रेश आया था, इसके पीछे का हाथ हो सकता है जानबूझकर करवाया गया हो, क्योंकि ऐसी चीज़ पहले भी हो गई है। जब पहले ड्राफ्ट आया था तब भी ऐसी चीज़ हुई थी, $60 पे आ गया था और मार्केट में ऐसा ही हुआ था। जब हमारे मेमोरी में बहुत सारे मेजोरिटी लोग पहले से ही हैं, तो उनके मेमोरी में है ना कि ऐसी चीज़ें पहले हो चुकी है, तो वो क्यों पेनिंग होंगे। और यहाँ पे ड्राफ्ट में ऐसा नहीं था ऑल क्रिप्टो करेंसी बैन वर्थ भी नहीं था वहाँ पे, तो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को जिक्र किया था, तो इसमें ही यहाँ पे इतना पेनिक माहौल हो गया। तो मेरे को नहीं लगता ये लोगों की वजह से हुआ है, लोग तो बाद में सेलिंग करना स्टार्ट किए होंगे। यहाँ पे जब मेजोरिटी बड़े स्केल पे सेलिंग होना स्टार्ट हुई थी इसके बिहाव पे, ये ड्राफ्ट के, क्योंकि पहले भी तो आता ना। तो अब जो भी हुआ है छोड़ो, लेकिन आपको यहाँ पे ना इन सब चीज़ों से सेफ होके चलना है, नहीं तो अदरवाइज कब लिपट जाओगे पता नहीं चलेगा। स्टॉप लॉस लगाओ और आराम से ट्रेड कर सकते हैं INR मार्केट में, ठीक है। अब यहाँ पे मैं वजीरेक्स का एक नया अपडेट आया, नई चीज़ यहाँ पे ऐड की है वजीरेक्स ने, जो आपके लिए बहुत बेनिफिट वाली हो सकती है, उसकी वजह से आप बहुत यहाँ पे अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकते हैं। अगर आपने वजीरेक्स का ऐप अपडेट कर रखा है या नहीं किया तो कर लीजिए, आपको वो जो नई चीज़ अब मिल जाएगी वो है जो चार्ट में है ना, वजीरेक्स ने सारी चीज़ें ऐड कर दी है जो ट्रेडिंग व्यू पे होती है। और आप यहाँ पे इंडिकेटर ऐड कर सकते हैं, ट्रेड लाइन बना सकते हैं, सब चीज़ें कर सकते हैं आपके एप्लीकेशन में, क्योंकि मेजोरिटी लोग एप्लीकेशन को यूज करते हैं, वेबसाइट में नहीं यहाँ पे वो करते हैं ट्रेडिंग, ठीक है। तो अब आपके लिए बेनिफिट वाली चीज़ ये है कि जैसे आप एक दो तीन इंडिकेटर से वो तो लगा ही सकते हैं, जैसे RSI हो गया, MACD हो गया, जो कॉमन चीज़ें होती है, जैसे RSI ओवरसोल्ड एरिया में आ जाए तो वहाँ से बाउंस देखने को मिलता ही है, और MACD में जब सेलिंग प्रेशर डाउन हो जाए, नीचे से क्रॉस होता है तो प्राइस ऊपर जाती है, ये कॉमन चीज़ें तो आपको ही पता है। तो अब ये चीज़ें आप लगा के रखेंगे इंडिकेटर, तो आप वहाँ पे कोई अच्छे कॉइन में अपॉर्चुनिटी मिले ग्रैब कर सकते हैं इंस्टेंट। यूनिक ही पहले तो आप ट्रेडिंग व्यू पे जाते थे, वहाँ पे चेकआउट करते थे, यहाँ पे आते थे ऐप में, ये चारों तरफ वैसे भागना नहीं पड़ेगा, ऑन द स्पॉट ही आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, तो आपके लिए बेनिफिट वाली चीज़ है, इसको आप ध्यान में रखना, ठीक है। और इवन आप यहाँ पे चार्ट को, जो कैंडल्स है इनको भी ये चेंज कर सकते हैं, तो अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको सब कुछ बता दिया, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल काम डाउन रहिए, सब चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो गई है। अब कुछ भी और भी अर्जेंट बेसिस पे यहाँ पे अपडेट देना होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा, इसलिए आप मुझे टेलीग्राम पे जरूर से फॉलो कीजिए, वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।